बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन। आज हमारा टॉपिक है पेनिक इंजेक्शन। हम आपको बताने वाले हैं कि पेनिक इंजेक्शन क्या है, पेनिक इंजेक्शन किन किन बीमारों में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पेनिक इंजेक्शन हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेनिक इंजेक्शन निसाइड ड्रग के साथ ताल्लुक़ रखने वाला इंजेक्शन है, जिसका फार्मूला डिक्लोफेनिक सोडियम है, जो कि 3 ml में पाए जाते हैं। पेनिक इंजेक्शन जो हैं टेप्रोस फार्मा का बना हुआ प्रोडक्ट है। आजकल पेनिक इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 15 रुपये है। पेनिक इंजेक्शन की इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे? पेनिक इंजेक्शन जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, और इसके अलावा फट्टों का दर्द होना, और इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है, और इसके साथ साथ जो दांत में दर्द होते हैं, पेट के दर्द में भी इस्तेमाल होते हैं। और पेनिक इंजेक्शन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? पेनिक इंजेक्शन जो होता है वो इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल किया जाता है, और आईवी फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईवी इस्तेमाल करने से मरीज़ की तबीयत ख़राब होने की चांसेस हो सकता है, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, पेनिक इंजेक्शन हम किस लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो हमल होने वाले जनाना के लिए और बच्चों के लिए जिसकी उम्र 10 साल से कम हो। और अच्छा, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है? पेट का ख़राब होना, वोमिटिंग होना। अच्छा, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।